नमस्कार दोस्तों, पीके डिजिटल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूट्यूब के कुछ नए सेटिंग्स और अपडेट्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए दोस्तों। तो इस सेटिंग्स के बारे में जानने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सेटिंग काफ़ी मज़ेदार है और इस सेटिंग को जानने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ दोस्तों, सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से आपके जो यूट्यूब ये सेटिंग्स है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। आपने जब तक ये गूगल प्ले स्टोर से अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक ये सेटिंग का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल मैंने अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लिया है। तो मैं अभी आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन, जैसे ही आप यूट्यूब को खोलते हैं अपने मोबाइल में, तो कुछ तो इस तरह का इंटरफेस आता है दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर में दाहिने तरफ आपका चैनल का लॉगिन जहाँ पे होता है, लोगो होता है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया हुआ है, नया ऑप्शन है, और ये है टर्न ऑन इनकॉग्निटो। यही वो सेटिंग्स है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा और दो सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो कृपया वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले टर्न ऑन इकोग्निटो इसको जान लेते हैं। इसको ऑन करने से क्या होगा, आपका एक नया यूट्यूब पेज ओपन होगा इस तरह से, जिसमें आप कुछ भी ब्राउज करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा दोस्तों, बिल्कुल नया है। इसमें आप कोई भी देख सकते हैं, बॉडी सीन, सेक्सी सीन देख सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी वीडियो देखेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला सेटिंग दोस्तों। इस सेटिंग्स के आप यूज़ करके काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। अगर आप कुछ छुपाना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या देखा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आप इस सेटिंग्स को ऑन करके देख सकते हैं। और देखने के बाद फिर क्या करना है, इसी को ऑफ़ करने के लिए फिर उसी में देखिए इनकॉग्निटो मोड का यहाँ पे लोगो है, उसमें आप क्लिक करेंगे और टर्न ऑफ इनकॉग्निटो मोड को ऑफ कर देंगे। यहाँ से फिर से आपका देखिए आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी से लॉगिन किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस फीचर का मज़ा ले सकते हैं और आप कुछ भी देखेंगे आप इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा दोस्तों। और मैं आपको दूसरा सेटिंग बताने वाला हूँ। दूसरा सेटिंग के लिए फिर से उसी तरह का सेम प्रोसेस है। पहले आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जनरल सेटिंग है, जनरल में क्लिक करेंगे। उसके बाद दो सेटिंग आएगा नीचे में, एक रिस्ट्रिक्टेड मोड है और एक है इनेबल स्टार्ट फॉर नाइट। इन दोनों सेटिंग को अगर आप ऑन करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोड और इनेबल स्टार्ट फॉर नट्स, दोनों सेटिंग को ऑन कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इस सेटिंग से ऑन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप अगर आपके घर में बच्चा है जो कि आपके मोबाइल को छेड़ता है, तो यही से बात, आजकल हर किसी के घर में बच्चा होता है और मोबाइल लेने के बाद यूट्यूब खोलता है, जिसमें यूट्यूब में अभी तो बहुत सारे गंदे गंदे वीडियोज आने लगे हैं, बोल्ड वीडियोज आते हैं। तो इससे क्या, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद क्या होगा, मतलब आपका किसी तरह का बोल्ड वीडियोज नहीं आएगा, सेक्सी वीडियोज नहीं आएगा, कोई ख़तरनाक वीडियो नहीं आएगा, जैसे कि बम कैसे बनाते हैं इस तरह की। तो इस तरह के वीडियो से बचने के लिए आप सेटिंग्स को ऑन कर देने के बाद अपने बच्चे को मोबाइल में मोबाइल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको तीन सेटिंग्स बताया है। और सबसे फाइनल सेटिंग है, लास्ट सेटिंग, बैटरी बचाने के लिए आपके मोबाइल में डार्क थीम को ऑन करना पड़ेगा। सबसे ऊपर में देखिए डार्क थीम है, इसको ऑन कर दीजिए, आपका पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, इससे बैटरी बचेगा, प्लस आप इससे रात में मज़ा ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का YouTube के बारे में कुछ खास स्पेशल सेटिंग्स और अपडेट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।